नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है देश की सभी बड़ी मंडियों के प्याज के आज के ताज़ा भाव में। जी हां दोस्तों, आज हो चुका है 29 अगस्त 2020। देश भर की सभी बड़ी मंडियों में दिन भर में कौन सी मंडियों में क्या भाव रहे, कौन सी मंडियों में आज उछाल देखने को मिला, साथ ही कहीं अभी भी मंदी बनी हुई है। तो दोस्तों, सभी बड़ी मंडियों का आप भाव देखने वाले हैं, इसके साथ ही आपका कब तक है अच्छे खासे भाव किसान भाइयों को मिल सकते हैं, प्याज का भविष्य क्या रहने वाला है, कौन कौन से देश में आपका निर्यात है वो प्याज का शुरू हो चुका है ताकि अच्छे खासे किसानों को दाम मिल सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि लगातार देश की बड़ी मंडियों के जो भी ताज़ा और सही और सटीक भाव होते हैं हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। अगर किसान भाई अगर आप अपना प्याज बेचना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी जानकारी जरूर लिख दें, यानी आप कहां के रहने वाले हैं, कितना क्विंटल आपके पास प्याज है, किस दर पर बेचना चाहते हैं, ताकि हमारे साथ जो भी व्यापारी भाई जुड़े हुए हैं आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके अच्छे दामों पर आपका प्याज खरीद सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि देश की सभी बड़ी मंडियों में प्याज के हाल फिलहाल में क्या भाव चल रहे हैं, साथ ही उसके बाद बात करने वाले हैं कि प्याज का भविष्य क्या रहेगा, साथ ही आने वाले समय में प्याज के क्या भाव रह सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं हरियाणा की बड़ी मंडियों से। तो हरियाणा की धंड मंडी में आपकी 1000 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक आपका प्याज बिका है। वही दोस्तों, गुनूर की मंडी में आपके 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक, यानी मैक्सिमम यहाँ 2000 रुपये तक आपका हरियाणा में है वो प्याज पर क्विंटल बिक रहा है। अगर दोस्तों यहाँ के औसत भावों की बात करते हैं तो यहाँ 1500 रुपये क्विंटल यहाँ औसत भाव है वो हरियाणा में रहे हैं। मध्य प्रदेश की दोस्तों बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी दोस्तों अच्छे खासे भाव हो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ की नीमच मंडी की, दोस्तों नीमच मंडी में यहाँ 600 रुपये क्विंटल से लेकर है वो 1800 रुपये क्विंटल तक है वो प्याज बिक रहे हैं। इंदौर की मंडी में 200 रुपये क्विंटल से है वो 1300 रुपये क्विंटल बिक रहे हैं। वही बात करें टिमूरनी की मंडी में यहाँ 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये। वही दोस्तों गुना की मंडी में 500 से लेकर 700 तक आपका प्याज है वो हाल फिलहाल में बिक रहा है। यानी दोस्तों ज़्यादा उछाल तो नहीं देखने को मिल रहा, बाकी दोस्तों थोड़ा उछाल देखने को मिला है। अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की औरंगाबाद मंडी में 600 से लेकर है वो 900 रुपये पर क्विंटल आपका प्याज बिका है। मुंबई ओनियन एंड पटेटो मार्केट में आपके 900 से लेकर 1300, कराड की मंडी में 500 से लेकर 1800, सोलापुर की मंडी में 100 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक प्याज बिका है। वही दोस्तों पुणे की मंडी में 800 से लेकर 1750 बिका है। अगर दोस्तों यहाँ बात करते हैं कल्याण मंडी की, 1200 रुपये से लेकर 1600 रुपये आपका प्याज बिका है। कल्याण की दूसरी मंडी में 900 से लेकर आपका 1100 रुपये तक प्याज बिका है। नासिक की मंडी में 600 से लेकर आपके 1680 तक हैं वो हाल फिलहाल में प्याज बिक रहा है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो यहाँ महाराष्ट्र में आपकी भावों में तेज़ी देखने को मिली है। पंजाब की दोस्तों बात कर लें, पंजाब की आदमपुर मंडी में 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये, वही अंजाला की मंडी में 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये। अगर औसत भावों की बात करते हैं दोस्तों यहां आपका 2000 रुपये तक प्याज है वो लगभग सभी बड़ी मंडियों में बिक रहा है। अगर दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की अजमेर मंडी में 700 से लेकर 1500 रुपये, विजयनगर मंडी में 910 से 1235, चित्तौड़गढ़ की मंडी में आपके 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये, चूरू की मंडी में 1000 रुपये से लेकर 1400 रुपये। वही दोस्तों अगर औसत भावों की बात करते हैं तो 2000 रुपये तक यहाँ भी आपका प्याज हाल फिलहाल में बिक रहा है। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में आपके 1080 रुपये से लेकर 1250 रुपये तक, वही दोस्तों अलीगढ़ की मंडी में 1100 से लेकर 1200 रुपये, इलाहाबाद की मंडी में 1150 से 1350। वही दोस्तों बात करें दूसरी बाकी बड़ी मंडियों की, दोस्तों यहाँ भी आपका प्याज है वो मैक्सिमम है 1800 रुपये तक है वो बिक रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो पिछले 2 से 3 दिनों में आपकी प्याज के भाव में तेज़ी देखने को मिली है, परंतु दोस्तों बड़ी मात्रा में किसान भाइयों के पास प्याज पड़ा है तो कब तक आपके भाव आने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी आपके भाव आएंगे नेक्स्ट 10 दिन में आने वाले हैं, बाकी दोस्तों आपकी नई फसल भी प्याज के आ जाएगी तो उसके बाद में भावों का आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी आपके भाव हैं वो आपकी कोरोना महामारी की वजह से, साथ ही आपकी लॉकडाउन की वजह से इस बार नहीं आ पाए थे। अगर बात करें अगली मंडी की, यानी सॉरी आपके अगली फसल की, तो दोस्तों यहाँ आपको अच्छे खासे भाव है वो मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका भविष्य रहने वाला है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।